अस्सलामुअलैकुम। आज हम कमीज़ की बहुत आसानी सी कटिंग करना सीखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास ये फैब्रिक है और इसमें ये देखें ये नेक बना हुआ है। ये देखें तो नेक पे हमें कुछ नहीं करना होगा, ये हमारा पीछे का पार्ट दिया गया है, इसमें ही जॉइन है। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये हमारे दामन के लिए दिया गया है ये, और ये हमारा नेक है। तो नेक की कटिंग जो मेन है, ये हमारा नेक है, इसे बराबर और अच्छे से इस तरह से पहले रखेंगे, कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमें बचे हुए पीस में स्लीव्स और बैक पार्ट भी की भी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से रख लेंगे। ये हमने कपड़े को बाकायदा सलीके से रख चुके हैं। अब इसकी लंबाई में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, जितना हो, अगर हमें छोटा लगता है तो हम एक्स्ट्रा लेस से कंप्लीट कर लेंगे। इससे सबसे आसानी के लिए इसकी सबसे पहले हम लेंथ नाप लेते हैं। ये पूरा है 41 इंच और मेरा रेडी होके 41 इंच आता है, तो मुझे इसमें ही काम चलाना होगा। और मेरी कट लंबाई जो होती है शोल्डर से, मैं 21 इंच पे लेती हूँ, तो यहाँ से 20 इंच पे मैं मार कर दूँगी और यहाँ से भी मैं 21 इंच पे मार कर दूँगी, ताकि जब हम चाक बनाएं तो उसमें आसानी हो। इस तरह से सबसे पहले हम फुल लेंथ लेंगे, उसके बाद अपनी कट लंबाई पे निशान लगाएंगे, उसके बाद शोल्डर पे निशान लगाएंगे। ये देखो मेरा शोल्डर है 12 इंच का, तो मैं 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अगर आप किसी हैवी इंसान का सिल रहे हैं, जो इनकी जिनकी हेल्थ माशाल्लाह है, तो आप उनके लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन ठीक ठाक अगर है तो फिर उतना चलेगा। ये हमने अगर 6 इंच लिए हैं तो यहाँ पे भी हम 6 इंच पे ही निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी हम इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा इस तरह का, ये देखो ये निशान आया। अब हम यहाँ चेस्ट की जितनी लंबाई है उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, तो मेरा 9 है प्लस 2 इंच, ये देखो इस तरह से। और कमर की सबसे इजी तरीके से अगर आप नाप लेना चाहते हैं तो उसके लिए देखो, ये जो हमने 6 इंच पे निशान लगाए हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लें। ये हमारा नेक है, तो हमारा नेक तो यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ तक कटिंग होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जो इसका बीच का आता है ना, वो हमारा कमर होता है। तो ये देखो ये मेरा 15 आ रहा है, मतलब बीच में ये जो आ रहा है 7.5 इंच, तो इस तरह से ये हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ से भी सीट, ये जो हमारा सीट है वहाँ से ये आर्म होल तक, ये देखो इस तरह से यहाँ पे भी 7.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये मेरा कमर 16 है, ये हमारा 9 इंच है, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा किए हैं। ये मेरा 8 इंच है, तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। सीट गेयर में जहाँ हम चाक बनाते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे हम सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये जितनी आपकी लंबाई है, ये मेरी 9 इंच है, तो इस तरह से 9 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और एक्स्ट्रा में सिर्फ 1 ही इंच लेंगी, क्योंकि इससे हमें फोल्ड करने में आसानी होती है और हमारा चक जो है काफ़ी खूबसूरती से बनता है। तो ये देखें ये मैंने 1 इंच लिए, और मेरा दामन थोड़ा चौड़ा होता है, तो मैं यहाँ से इस तरह से 12 इंच पे निशान लगाती हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। अब ये जो सारे निशान हैं एक दूसरे से मिला देंगे, ये हमने परफेक्ट निशान लगा लिए। ये हमारी फिटिंग है, ये हमने एक्स्ट्रा है, कभी कम या ज़्यादा हुआ तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो आर्म होल के निशान होते हैं, इसे जो शेप देने में काफ़ी लोगों को मुश्किल आती है, उसके लिए मैं आपको एक टिप बता देती हूँ। ये देखो सबसे पहले ये जो जितना भी हमारा हो इसका हाफ कर लें, ये मेरा 6 है, तो मैं ये 3 इंच पर निशान लगा दी हूँ। और ये जो हमारा यहाँ से हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, ये जैसा है सेम ऐसी रखें, यहाँ से हल्की सी इस तरह से शेप दे दें। ये देखो इस तरह से,
यहाँ से इस तरह से राउंड में इसको शेप दे दें और इसे मिला दें। और आप अगर बड़े इंसान का बना रहे तो ये बिल्कुल भी भूलें ना, ये हाफ इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। और ये जो हमारा शोल्डर है, जिस तरह जितना हमें नेक बनाना है, ये 3 इंच का है या 2, ये मेरा जो है ये गैप ही दिया है 2.5 इंच का, तो इससे एक्स्ट्रा मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगा दूँगी और इसे दोनों को मिला दूँगी। तो ये हमने इस तरह से निशान लगा लिए, अब इसकी कटिंग करेंगे हम। फ्रंट कटिंग कर ली है, अब ये बैक के लिए हमारे पास ये कपड़ा बचा है, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और देखो इसे बराबर से रखेंगे, सबसे पहले ये बराबर से मैंने सेटअप कर ली हूँ। अब हम ये जो हमने कटिंग किए हैं सेम उसी तरह से इसे बराबर से रखेंगे। ये देखो ये हमने बराबर एक के ऊपर एक रख लिए हैं इस तरह से, ये देखें। देखो ये हमारी बराबर लाइन समझ में आ रही, अब जिस तरह से है ये हम कटिंग कर देंगे। देखो ये हमारी दोनों कटिंग हो गई हैं, ये अंदर 1.5 इंच रख कर ये जो हमारा फ्रंट है उस पर शेप दे देंगे। ये हमारा परफेक्ट कटिंग हो गया है। अब ये जो बचे हुए पीसेस हैं इसमें हम अपनी पसंद के आस्तीन बना सकते हैं।